देखिए दोस्तों, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र। सबसे पहले अपन गंगा नदी का ओरिजिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओरिजिन कैसे पढ़ेंगे अपन? देखो, उत्तराखंड वाला जो हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया है, वहां पे ग्लेशियर्स हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। चलो, अब जो बद्रीनाथ है, इससे कौन सी रिवर निकलती है? अलकनंदा। अलकनंदा। और जो यमुनोत्री है, इससे कौन सी निकलती है? टोंस या यमुना, आप जिसको बोल सकते हो। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी। भागीरथी जाके अलकनंदा में मिलेगी। और केदारनाथ से जो रिवर निकलती है, वो है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर अलकनंदा में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा में एक रिवर मिलती है, ये पिंडर ग्लेशियर से आती है, पिंडर रिवर। ये कौन सी थी? मंदाकिनी। ये कौन सी थी? भागीरथी, ठीक है, पिंडर हो गई। एक इसमें मिलती है धौली गंगा। धौली गंगा। अब धौली गंगा भागीरथी में जहां आके मिलती है, उसको अपन बोलते हैं विष्णु प्रयाग। उसको अपन क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। पिंडर रिवर जहां आके मिलती है, उसको अपन बोलते हैं कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी रिवर जहां आके मिलती है, उसको अपन बोलते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। याद कर सकते हो, मंदाकिनी नाम की अप्सरा थी, ऋषि भगवान की, ऋषि जी की तपस्या तुड़वाने आई, तो ऋषि भगवान उसको देख के रुद्र रूप धारण कर लिया, तो मंदाकिनी से रुद्र। पिंडर कर्ण प्रयाग, पिंड दान करते हैं, और कर्ण था वो भी दानवीर था। पिंड दान और कर्ण, कर्णवीर दान, दोनों को मिला के आप याद कर सकते हो कर्ण प्रयाग। विष्णु जी धौली गंगा, ठीक है। चलो, और ये जहां पे भागीरथी अलकनंदा आके मिलती है, उसको अपन बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग। और जहां पे गंगा में यमुना आके मिलती है, उसको अपन बोलते हैं इलाहाबाद, और जिसका नाम अब योगी जी ने बदल के कर दिया प्रयागराज। चलो दी, अब अपन इधर आ जाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी, गंगोत्री, दोनों जहां मिली देवप्रयाग, ठीक है। और ये नीचे से ये यमुना रिवर आके इसमें मिल जाएगी। ये होगी, ये आपकी गंगा रिवर होगी। अब गंगा की ब्रांचेज जो हैं, वो वेस्ट टू ईस्टर्न, वेस्ट टू वेस्टर्न जाएंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए, राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे। राम, राम गंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ठीक है। और फिर जो ये इन्हीं के बीच में जो मिलते हैं ना, इनके मैदानों के नाम लिखे गए हैं ऐसे ही। जैसे ये रुहेलखंड का मैदान है, ठीक है, ये रिवर्स जो जैसे हैं उनके हिसाब से इनको सेट कर लेना। रुहेलखंड, अवध का मैदान, ईस्टर्न यूपी का मैदान, ये तीनों आएंगे यूपी के, यूपी में। अवध खंड, रुहेलखंड, अवध और ईस्टर्न यूपी। फिर आएगा बिहार में सारण का मैदान, मिथिला का मैदान, और इसके नीचे से आती है सोन नदी। सोन नदी के पास वाला मैदान है मगध का मैदान है। इसमें देखो, रिवर जिधर जा रही है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, फिर जो लेफ्ट हैंड की साइड जो रिवर्स हैं वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, राइट हैंड की साइड जो होंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो इसलिए नॉर्थ से जितनी भी रिवर आके गंगा में गिर रही हैं, ये सारी हो गई इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये नीचे वाली सारी हो जाएंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ये बाई तरफ की वितरिकाएं और ये दाई तरफ की। सोन नदी के पास जो मैदान है वो मगध का मैदान। सोन नदी, मैंने पुराने वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, अमरकंटक प्लेटू से, सतपुड़ा रेंज में जो अमरकंटक प्लेटू है, उससे दो रिवर निकलती हैं, सोन और नर्मदा। तो ये सोन रिवर हो गई, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे। ये तो फिर ये आगे जाके गंगा रिवर है, ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसमें दामोदर रिवर मिलती है, और इस दामोदर की एक और ट्रिब्यूटरी है, वो है बराकार। बराकार, बराक मत कर देना, बराक रिवर उधर है मणिपुर में, ये बराकार रिवर है, ठीक है।
फिर दामोदर बराकार मिलती है, ये इसकी दो ब्रांच हो जाती है, गंगा उधर चली जाती है और हुबली हुगली रिवर इधर आ जाती है, ये गंगा रिवर आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है। वो ये राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे था, आपको बताया कौन कौन सी रिवर होगी इसमें, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सात रिवर्स हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट याद कर लेना इनको। रामगंगा और गोमती उत्तराखंड से निकलती हैं, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक और कोसी ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं, घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक और कोसी, और महानंदा, और ये महानंदा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर से निकलती हैं, और इन्हीं के बीच में ये अपने जो मैदान बनते हैं सात रिवर के बीच में, छह मैदान बनेंगे, उनका नाम ऐसे दिया हुआ अपन ने, रुहेलखंड का मैदान, अवध का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, सारण का मैदान, मिथिला का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान, और जो नीचे से एक आया था वो मगध का मैदान। ऊपर वाली सात रिवर, दो रिवर के बीच में एक दोआब बनता है जिसको अपन मैदान बोल देते हैं, तो सात के बीच में छह बनेंगे, छह बनेंगे, और नीचे वाला हो गया मगध का मैदान, ठीक है। ओके, फिर ये कौन सी रिवर उत्तर प्रदेश को बिहार से कौन सी अलग करती है, पश्चिम बंगाल को बिहार से कौन सी अलग करती है, ये आप इस डायग्राम को एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, फिर गंगा के मैदान को अपन ने तीन पार्ट में बांटते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में अपन ने दो मैदानों को रखा है, रुहेलखंड और अवध के मैदान को रखा है। मिडिल में अपन ने पूर्वी यूपी का मैदान एक बच गया वो, और बिहार वाले तीनों, बिहार के तीन कौन से, दो लेफ्ट एंड वाले सारण और मिथिला, और एक राइट एंड वाला मगध वाला, ठीक है। फिर लोअर गंगा में अपन ने एक रखा है पश्चिम बंगाल का मैदान। जो अपर गंगेटिक प्लेन है ये देखो जियोग्राफिकल डिवीजन है, तो ये तराई क्षेत्र में आता है, तराई क्षेत्र मैंने कल आपको बताया था पूरा, जब अपन ने हिमालय पढ़ा था तो तराई क्षेत्र के बारे में बताया था, ये बागर क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे रामगंगा और गोमती नदी से संबंधित है। फिर जो बिहार का मैदान है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक नदियां होती हैं, ये अपने साथ बहुत सारे डिपोजिशंस लेके आती हैं, अवक्षेप लेके आती हैं, वो इनमें डिपोजिट हो जाती हैं, इनकी वैली भर जाती है, फिर ये अपनी अपना ट्रैक चेंज कर लेती हैं, रास्ता बदल लेती हैं, तो इसलिए इनमें बाढ़ आ जाती है इनमें। फिर पश्चिम बंगाल का मैदान कोसी और नदियों से संबंधित, ठीक है। तो ये गंगा रिवर हो गई अपनी, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट। फिर अपन पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र। अभी देखो ये ब्रह्मपुत्र का कहाँ से आती है, ये भी तिब्बत के प्लेटों से आती है, तिब्बत के प्लेटों से हम ऑलरेडी दो रिवर निकाल चुके हैं, कौन कौन सी, इंडस रिवर और सतलुज रिवर। अब ये तीसरी रिवर है यहाँ से, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चेमुंगदोंग ग्लेशियर से, चेमुंगदोंग ग्लेशियर से होता है, चेमुंगदोंग ग्लेशियर से। फिर ये ITSZ, ITSZ से ही अपनी इंडस रिवर निकली थी, ITSZ से ही ये रिवर पास होगी। चीन में इसको सांगपो रिवर बोलते हैं, अरुणाचल में इसको अपन दिहांग रिवर बोल देते हैं। फिर ये यांगपो पास से ये निकलती है और अरुणाचल में एंटर करती है, जहां पे इसको दिहांग पास बोलते हैं। अब फिर ये पहले इसका फ्लो होता है ईस्टवार्ड, और ईस्टवार्ड के बाद अभी अपना फ्लो कर लेती है पूरा साउथवार्ड फ्लो कर लेती है अपना, बीच में ऐसे ऐसे ये इसका फ्लो, और एक्चुअली ऐसे होता है, पहले ईस्टवार्ड फिर साउथवार्ड फिर वेस्टवार्ड फिर साउथवार्ड। इसमें जो अब इसकी अपन ने देखें तो ये इधर से ये वाली सारी ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, लेफ्ट एंड वाली, और ये वाली कौन सी हो जाएंगी, राइट एंड वाली। ट्रिक वही है, जिधर रिवर फ्लो कर रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, जिस हाथ की तरफ जो रिवर हो। अब लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, कापिली है, ठीक है। और राइट एंड वाली कौन कौन सी है, सुबनसिरी है, और मेन इंपॉर्टेंट ये फिर तिस्ता रिवर है, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें अपने वहां पे गंगा रिवर के जो दो ट्रिब्यूटरी की थी, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, गंगा को और हुबली को। हुबली तो कोलकाता के आसपास वहां जाके अपने बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, गंगा रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है और ये ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्रा को जमुना रिवर बोलते हैं, और गंगा के साथ मिलने के बाद इसको पद्मा नदी बोलते हैं, फिर इसमें मेघना नदी आके मिल जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। और जो इसका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहीं पे सुंदरबन है पूरा का पूरा। इसको सुंदरबन क्यों बोलते हैं इस डेल्टा रीजन वाले को, क्योंकि ये पूरा मार्सी है और इसमें सुंदरी नामक एक पेड़ मिलता है जो बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको सुंदरबन बोलते हैं। चलिए जी, ब्रह्मपुत्रा रिवर,
फिर अपन अगला पढ़ते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का ये वाला डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है, आप ये ब्लू वाला डायग्राम देखिए, ये महानदी बेसिन ठीक है। तो ये इस तरह का इसका रेक्टेंगुलर शेप इसका फ्लो होता है ठीक है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब। महानदी में ईब रिवर जहाँ पे मिलती है यहाँ पे हीराकुंड डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? हीराकुंड डैम। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? यहाँ से छत्तीसगढ़ से होता है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से, नियर सिहावा, मतलब अमरकंटक के आसपास का ही बोल सकते हैं। एग्जैक्टली अमरकंटक से नहीं होता लेकिन अमरकंटक के साउथ से होता है। मतलब ये मान लो ये अमरकंटक प्लेटू अपना यहाँ पे है, या यहाँ पे मान लो अमरकंटक प्लेटू, इसके इधर से ये सोन, ये नर्मदा, और इसके यहाँ से ये महानदी का ओरिजिन होता है ठीक है। ओके, और इसकी ओंग एंड टेल कौन कौन सी ब्रांच होगी? हसदो, मांड, ईब, ओंग, टेल, शिवनाथ। अभी राइट एंड लेफ्ट एंड आप वही अपनी वाली ट्रिक फॉलो करना, राइट एंड और लेफ्ट एंड पता चल जाएगा। ये वाली है, ये हो गई इसकी लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरीज, और ये ओंग और टेल हो गई राइट एंड ट्रिब्यूटरीज ठीक है। एक इस पे हीराकुंड रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है जहाँ इसमें ईब रिवर आके मिलती है ठीक है। और ये जो इसका फ्लो होता है वो टिकरापारा और नायगढ़ हिल्स के बीच से होता है। तो ये इधर वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी हो जाएंगी इसकी लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरीज, और ये हो जाएगी राइट एंड ट्रिब्यूटरीज। इसमें इसका जो डेल्टा बनता है इसको अपन बोलते हैं पालमियर्स पॉइंट। ये मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल में जितनी भी रिवर जाके गिरेंगी उनको डेल्टा बनाएंगी, ये डेल्टा बनाती है, और डेल्टा को बोलते हैं पालमियर्स पॉइंट। और यहाँ पे इसमें दो रिवर और साथ में आके मिलती हैं, ब्रह्मणी और वैतरणी, ये तीनों का डेल्टा एक साथ बनता है। चलो फिर अपन पढ़ते हैं गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर होती है त्रंबकम प्लेटू, नासिक के आसपास है त्रंबकम प्लेटू महाराष्ट्र में, और वेस्टर्न घाट के वहाँ से निकलती है, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, उस रेंज से निकलती है। ये देखो ये बालाघाट रेंज है, और यहाँ पे सतमाला और अजंता ये उन्हीं की त्रंबकम प्लेटू से ये निकलती हैं ठीक है। फिर निकलने के बाद में इसकी ये इसकी ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? सबसे पहले अपन देखें लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरी, तो ये तीन है, पैन गंगा, वैन गंगा और वृद्धा। पैन गंगा, वैन गंगा, वृद्धा, और ये तीनों मिलके बना लेती हैं प्राणहिता, और ये प्राणहिता रिवर आके इसमें मिल जाती है। फिर इसमें एक अपन ने पढ़ा था गोदावरी में एक इंद्रावती रिवर आती है, अपन ने इसको पहले ही पढ़ा था। फिर एक इसमें यह सबरी रिवर आके मिलती है। फिर अपन इसकी ये वाली पढ़ते हैं राइट एंड ट्रिब्यूटरीज। राइट एंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी मजरा रिवर, मंजीरा रिवर, मंजरा या मंजीरा। तो मंजीरा पे एक बना हुआ है निजाम सागर, निजाम सागर, ये हैदराबाद के पास से आती है निजाम सागर, यहाँ पे डैम बना हुआ है। फिर एक किनरशानी रिवर है, ये आके मिलती है, और ये सारी सारी बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में जहाँ पे डेल्टा बनाती है वहाँ पे एक सिटी है, इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? यनम, ये पुदुचेरी का पार्ट है यनम सिटी। चलो इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा। इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू की ये सबसे बड़ी रिवर है। फिर आती है अपनी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और ये जहाँ पे जाके फाइनली ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, उस जगह अपन बोलते हैं फॉल्स डेवी पॉइंट, फॉल्स डेवी पॉइंट है। चलिए ठीक है, अब इसकी लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरीज भीमा और मुल्लामारी। मुल्लामारी रिवर है वो आगे भीमा में मिल जाती है, और भीमा इसमें गिर जाती है। तो कृष्णा रिवर है तो कृष्णा जी, कृष्ण जी के नाम पे है, तो जो मतलब उसी तरह के नाम होंगे इसके सारे, जैसे भीम है, डिंडी है, नागार्जुन सागर है ठीक है। डिंडी रिवर जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे नागार्जुन सागर डैम बनाया हुआ है। मूसी रिवर पे हुसैन सागर डैम बनाया हुआ है ठीक है। और एक मैनरू रिवर आके इसमें गिरती है। फिर राइट एंड ट्रिब्यूटरीज घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा, ये तीन है ठीक है। तुंगभद्रा पे जो में चिकाहगारी आके रिवर मिलती है, और तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा रिजर्वायर बना हुआ है।
ये आप वैसे इंडिया का जो मैप में आप देखेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपर लोकेशन दिखेगी कौन से स्टेट से कैसे निकलती है। ये जो डायग्राम्स हैं ये फ्लो चार्ट्स आपके लिए, आपके ब्रांचेज के नाम याद करने के लिए हैं। फिर आता है फाइनली कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर पायसवानी पीक से निकलती है, ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं ये जहाँ पे जाके गिरती है वो है कराईकल या पॉइंट केलिमर इसको बोलते हैं, और ये रेक्टेंगुलर डेल्टा बनाती है। बाकी जितनी भी रिवर हैं वो डेल्टा बनाती है फैन शेप्ड, ऐसे फैन शेप्ड डेल्टा बनाती है, ये रेक्टेंगुलर डेल्टा बनाती है। चलो इसकी जो ब्रांचेज हैं कावेरी की, हेमवती, यगाची, हेमवती, यगाची और लक्ष्मण तीर्थ, ये तीनों जहाँ की मिलती हैं वहाँ पे बना हुआ है कृष्ण राज सागर, कृष्ण राज सागर, ठीक है। फिर अगली रिवर है कावेरी, काबनी रिवर, काबनी, और इधर लेफ्ट से आती है इसके सिमसा, तो ये जहाँ पे मिलती हैं वो चामराज सागर, और इन कृष्ण राज सागर और चामराज सागर के फ्लो के बीच में इस पे कावेरी फॉल बनता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, अरकावती रिवर आके मिलती है और वहीं पे होगिंकल फॉल है, और एक स्वर्णवती रिवर आके मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे है स्टेनले रिजर्वायर, और ये फाइनली इसमें ड्रेन कर जाती है। और ये है फ्रेंड्स अपनी इंडियन फिजियोग्राफी कंप्लीट। थैंक्स फ्रेंड्स।